जब से यूके का स्पाउस वीज़ा बंद हुआ तब से स्टूडेंट्स जो कि मैरिड थे और अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते थे उनके लिए थोड़ी परेशानी हुई कि हम मतलब मैरिड हैं, क्योंकि यूके में 1 साल की खाली एजुकेशन है मास्टर्स और 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो बच्चे थोड़े मेच्योर हो जाते हैं और अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं आपको ये एक बहुत अच्छे से जिसको आपको डिटेल में बताती हूँ कि अगर जो स्टूडेंट्स यूके विद स्पाउस जाना चाहते हैं वो मास्टर बाय रिसर्च उसमें जा सकते हैं। मास्टर बाय रिसर्च कोर्स जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीयां दे रही हैं, आपने आइल्स किया या नहीं किया डजेंट मैटर। अगर इफ़ यू स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आपकी परसेंटेज 50, 55, 60% कुछ भी हो सकती है। यू कैन गो अलॉन्ग विद योर स्पाउस। यूके में खाली आपको 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने हैं। अगर आपने 6 मंथ की फीस पे की है और 6 मंथ की नहीं की है, तो उसके साथ 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस और 6 महीने की फीस मिला के जितना अमाउंट बनता है वो आपको अपने अकाउंट में शो करना है। अब आप जो है वो ऑन एन एवरेज कोई 17 to 18 लाख आता है। अब सपोज स्पाउस ने साथ जाना है तो आपका कोई 10 लाख के अराउंड और बढ़ जाता है जो आपने स्पाउस के अकाउंट में दिखाना है। और अभी सितंबर इनटेक है, बहुत अच्छा टाइम है, डेडलाइंस आ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप स्पाउस के साथ यूके जा सकते हो मास्टर बाई रिसर्च में। तो जो हम सोचते थे नहीं यूके अब स्पाउस वीज़ा बंद हो गया, अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े अच्छे से स्पाउस के साथ जा सकते हो जस्ट 28 डेज ओल्ड फंड दिखा के। और आपको अगर मैं प्रोग्राम्स बताऊं, इसमें आप हर किस्म के लाइफ साइंस में जा सकते हो। आप अगर किसी का टूरिज्म का, तो बाय रिसर्च जो भी प्रोग्राम है, चाहे वो आईटी का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, सिंपल प्रोग्राम भी मिल जाएंगे और ज़्यादा स्पेसिफाइड प्रोग्राम भी मिल जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी की एक डेडलाइन होती है, आप उससे पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन मई, मई आ चुके हैं। अभी आपका ऑफर लेटर आते आते फिर आपको जो है कैश के लिए फ़ीस डिपॉजिट करानी है और 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने, तो इसमें ये सारा टाइम निकल जाता है। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो भी अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हो आप जो है इमीडिएट अप्लाई कर सके कर दीजिए। सेकंड, जो बच्चे प्लस टू किया हुआ है और बाय चांस उनके पास टाइम नहीं आइल्स करने का, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इंटरव्यू विदाउट आइल्स आपको मौका दे रही हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।